नमस्कार दोस्तों, बीकानेर की तंग गलियों से होते हुए अब हम आ गए हैं रामपुरिया हवेली। बीकानेर को हवेलियों का नगर भी कहा जाता है और यहाँ पर करीब 1000 हवेलियाँ हैं। रामपुरिया हवेली 7 हवेलियों का समूह है जिसे अब एक लग्जरी होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस हवेली का निर्माण 1400 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ और यह बीकानेर की खूबसूरत विरासत स्थलों में से एक है। इस हवेली का निर्माण बहुत ही समृद्ध व्यापारी परिवार रामपुरिया जी के आदेशों के तहत बालूजी चालवा द्वारा किया गया था। प्रमुख लेखक और दार्शनिक एल्डस हक्सले के अनुसार यह उत्तम महलनुमा घर अचंभित करने वाला है। यह हवेली लाल दुर्मेरा पत्थरों से निर्मित एक सुंदर नमूना है। इस हवेली की वास्तुकला की अगर बात करें तो भारतीय शैली में बने छज्जे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। पत्थर पर पतली नक्काशी बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। इस हवेली को बीकानेर का गौरव भी कहा जा सकता है। यह हवेली पुराने वास्तुकला और भव्यता का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। यहाँ पर आए देसी विदेशी पर्यटक इस हवेली को अपने कैमरे में कैद करना ज्यादा पसंद करते हैं। बीकानेर की तंग गलियों से होकर अब हम भंवर निवास जा रहे हैं, जहाँ जाने का रास्ता थोड़ा तंग है और एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। ये भंवर निवास का एंट्रेंस गेट है जहाँ पर होटल बना हुआ है और जिसका किराया 10,000 रुपये पर डे है, परंतु आप 250 रुपये का टिकट लेकर भी इसमें घूम सकते हैं तथा इसकी खूबसूरती अपने मोबाइल में कैद कर सकते हैं। हवेली के अंदर कमरों को बहुत खूबसूरत लकड़ी के बारीक काम व चित्रों से सजाया गया है, जिसमें मुगल व विक्टोरियन वास्तुकला के साथ साथ राजपुताना वास्तुकला का भी मिश्रण है। हवेली में लगे रंगीन कांच प्रतिमाएं और मेहराब यूरोपियन शैली का जीता जागता उदाहरण है। ये हवेली भंवर निवास का गलियारा है, कितना शानदार और कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ये जब कोई मेहमान वेहमान आते हैं तो यहाँ रुकते हैं। ये रामपुरिया हवेली का डाइनिंग रूम है जहाँ पर बहुत कीमती बहुत खूबसूरत फर्नीचर रखा हुआ है, जिसे देखते ही राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आती है। हाथी दांत, ये पीतल के होंगे ना जो बैल लकड़ी के? अच्छा, लकड़ी का सर। ये जो आप आर्ट देख रहे हैं ये लकड़ी और हाथी दांत का बना हुआ है। ये जो खूबसूरत आप डिजाइन देख रहे हैं इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। उस्ताद कहाँ का है? इंडिया का ही है। ये रामपुरिया हवेली की लाइब्रेरी है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। घंटों आप यहाँ इस खूबसूरत वातावरण में पुस्तकों का आनंद ले सकते हैं। जो गेस्ट आता है वो बैठता है यहाँ? हवेली के बारे में बहुत सारी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी हमें वहाँ के केयर टेकर ने दी। अब हम भंवर निवास के एक रूम में आ गए हैं। रूम काफ़ी बड़ा और बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत फर्नीचर से रूम सजा हुआ है जो कि राजसी ठाट बाट का अनुभव कराता है। लैंप्स वगैरह ये सारा पुराना बेल्जियम का है। ये लैंप्स बेल्जियम के हैं? और ये जो ऊपर बना हुआ है रूम में जो भी कांच का काम किया गया है वो सारा बेल्जियम से लाया गया है। बहुत खूबसूरत रूम है। लेकिन ये रूम थोड़ा छोटा है, इसके कम चार्जेज होंगे। हमें बताया गया कि हर रूम में अलग अलग तरह की इटालियन टाइल्स लगी हुई हैं और हर रूम का इंटीरियर अलग है और बहुत ही खूबसूरत और कीमती पेंटिंग्स हर रूम में लगी हुई हैं। कितना विशाल रूम का बाथरूम है जिसमें सभी टॉयलेटरीज रखी हुई हैं, जिसमें एक बाथटब भी लगा हुआ है और शावर पोर्शन एक अलग से है। ये हवेली का चारों तरफ से व्यू, चारों तरफ ऊपर भी और नीचे भी कमरे बने हुए हैं जिनमें आप ठहर सकते हैं। और मैंने जैसा कि पहले इसका किराया बताया 10,000 रुपये से शुरू होता है, लेकिन अगर आप इसमें ठहरेंगे तो आपको राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आएगी। छज्जों पर कितना शानदार बारीकी से काम किया हुआ है। बहुत खूबसूरत हवेली। हवेली की दीवारों छज्जों खम्भों और मेहराबों को इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ है। पत्थर की जालियों पर इतना बारीकी से काम हुआ है जिसको देखकर आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप यहाँ ठहर सकते हैं। ये 100 साल पुरानी हवेली है। 100 साल पुरानी, तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह तो करानी पड़ती रहती होगी ना? ये अब हम हवेली के रेस्टोरेंट में आ गए हैं। कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट बना हुआ है। दीवार और छत की कितनी खूबसूरती से डेकोरेशन की हुई है। बेल्जियम से लाए गए झूमर और एंटीक फर्नीचर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हवेली की प्रथम मंजिल पर एक एंटीक झूला लगा हुआ है जहाँ से आप इस खूबसूरत हवेली को निहार सकते हैं। हमने भी कुछ देर इस झूले पर बैठकर इसका आनंद लिया। ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा।
हवेली के आंगन में आप हर तरह के लजीज व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रामपुरिया हवेली का सफर। आशा है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बीकानेर के अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।